रही थी भी पढ़ाओ हो। हाँ जी नीट की तैयारी कर रही थी अपने बैठी बैठी आराम से कमरे में, तो अचानक से हमने चीखने की आवाज सुनी। अच्छा इन्हें चीख मारी, चीख मारी इन्हें पकड़ी लड़की ने। अच्छा लड़की ने चीख मारी तो हम आए, मेरे ताकत था यो जो मेरा छोरा है यो भाग गया। फिर पच पच में खाना छोड़ के मैं बाजी चूल्हा धोरा तो बाजी तो इतना यो छोरा जा लिया तो उसने कमरे में तो खेच के अर्जु को मारा वरंडा हाउस में वरंडा में ले रही थी ये छोरी ने। मतलब तम चपटम चपटा हो रहे थे, मतलब यार तो ये छुटवा हुआ थी। अच्छा। और वे हंगा कर रहे थे, दिखती है लड़का का गोली मार दी। अच्छा लड़का तो जाम कर ले रहे थे अपना। हाँ जी तीन बंदे भीतर आ रहे थे जी, बाहर कहे थे मन नहीं बेरा, तीन बंदे भीतर थे, तीनों का हाथ में गन थी। अच्छा हाँ जी कौन कौन थे? एक लड़की का पिता ना जानूंगा तो जी, वो मैंने कोर्ट में देखा था, कोर्ट में साइन करके आई है गए जब। किस चीज के करें? अभी हम रजाबंद हाँ, हमने कोई ऐतराज को नहीं। अच्छा इस बात के साइन करके आ रहे हैं जी दादरी कोर्ट में। ये पल्ला रजामंद और ईब देखो जी बाप के कर रखे ना सेफ हाउस में, तो जो उनने यो करया ना तब भाई ना बड़का ना अपना लखवा रखी थी, वो मेरा भी था पहले रजावन तो मैं भी कौन थी, फिर मन्ना भी तो इनकी छाती कलाई होगी अपनी करके इनने यो करया। लेकिन फिर आम जिसा भी लड़का पूछे इन गोली मारी, गोली मार के एक तो बच गया यो, एक बार तो बच गया जिसा वो उल्टा हुआ उड़ा ना, फिर इतना दूसरी चला दी, दूसरी जी हाथ में गली कट गई, लड़का तो मैंने भगा दिया। मखा वो छोरी का बाप ने बोला गया उसका मारो, वो तो फिर भाग गया इतना। फिर मैं आ गई, मान ली देखो हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ रखा भाई, ठीक से थारे नाम की तो मरे रही है, मत नहीं ले जाओ मत नहीं ले जाओ मत नहीं ले। इसके बाप ने एक बार तो मेरे कान भी समाई। अच्छा। लेकिन मेरे मारी नहीं। फिर वह इस लड़की को लड़की को गोली मारी उड़े की उड़े एक, वह क्यों इनका बस में नहीं आई। अच्छा। गोली मारे पास लड़की होगी बेहोश, ये उठा लेगी। अच्छा। उसके पास इन क्या करया नहीं करया, लड़की का अंदर आठ गोली है जी, आठ गोली है जी। ईसा बेरहम बाप, आज तक देखा है किसी ने? आठ गोली लड़की का मार रखी है और गिर गए। मैं ले आंटी देखो एक बड़ी बात पूछना चाहूंगी, शायद देखो हर माँ बाप का एक शक है, एक बेटिया पे 15-18-20 साल रखा हाँ। हाँ चलो बेटी ने लो मैरिज करी, जैसा कि आप बता रहे हो हाँ। गांव भी एक नहीं है, गोत्र भी एक नहीं हाँ। है, सब कुछ अलग है हाँ। क्या अगर आपकी बेटी उस स्टेप लेंदी तो आप स्वीकार कर दे बच्चों की खुशी के लिए? बच्चों के खुशी के लिए जी हर माँ बाप न करनी पढ़ाई, कितनी लव मैरिज हो रही, कौन कौन कर रहा बताओ, कौन कौन कर रहा नहीं कर रहा आप बताओ, नहीं कर रहे? कर रहे एको गांव के गांव में कर रहे हैं, और गांव के गांव में सही है गलत है? रिश्तेदारी की रिश्तेदारी में करूं ना कोई को मारे, गांव के गांव में गलत है, गांव के गांव में तो हम भी माना भी गलत है। लेकिन गलत तो भाई उस दिन तो मैं भी कौन थी भी, तो मैंने गलत कराया, लेकिन माँ बाप की मजबूरी देखो बड़का के खातिर स्वीकार करना पड़ा है। अच्छा ये गाँव भी अलग है, गोत्र भी अलग है, सब कुछ अलग है हाँ, और नजदीक लगा है। जैन का माँ बाप ने ऐतराज थी, इन्हें 5 महीने पहले का बेरा था जब मारी होती गोली आपकी का। अच्छा शादी तो पहला बेरा था, शादी तो पहला 5-4 महीने पहला का इन्हें बेरा था। अब भैया बात कर है इन्हें कस्टडी में ली, स्कूल चटवा दिया, फोन खोस लिया, उस पर मतलब टॉर्चर करने लग गए। अच्छा माँ बाप के ये काम थोड़ी हो, अपने समझाई होती नहीं मानना थी तो कुछ करे होता, और गोली मारनी थी तो उस दिन मार दी। अरे अच्छा 8 गोली आप कह रहे हो बहू का लगी है, फिर ये बची तो बची किस तरह? जी ये तो मान लेके जाना, ये तो भगवान उतरिया है मारा नाम का तो, अरे ये तो वही मैं तो इस बात का देख के तो होशियार है, सही पढ़ा है जी, खूब पढ़ा है हाँ। फिर आपने कहा मिली लास्ट में बहू? लास्ट में जी पुलिस लेके आई इसने, पुलिस आपके पास लेके आई? हाँ पुलिस लेके आई है जी हॉस्पिटल में। पुलिस ने कितनी तत्परता दिखाई इस केस में? कितने भी नहीं दिखा रखी जी आज तक तो। अच्छा हाँ 4 दिन हो गए जी, कुछ भी न्यू नहीं हुई है, एक भी बंदा का भेद चल लिया। अच्छा गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई है, कोई भी मतलब नहीं जी। ये मांग करो प्रशासन, आप ये प्रशासन तो जी या ये मांग है जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, या तो गलती माँ बाप की नहीं है या बड़का की नहीं है, गलत करा है तो कोर्ट करे, कोर्ट ने छूट दे रखी है, या तो कोर्ट ने गलत बताओ। जब जनता में हिम्मत सर गोली मारनी में दम है तो कोर्ट में मारो ना, बड़का में क्यों मारे? वैसे अगर आंटी आपकी लड़की गांव की गांव में कर दी तो स्वीकार कर दे आप? जी देखो नहीं कर पाते, और जो अलग कर दी गांव दूसरा गांव में कर दी फिर स्वीकार कर दे जी? करना पड़ा, गांव की गांव में भी कर रहे हैं। अच्छा गांव की गांव में भी कर रहे हैं हमारा, ये मैं आपको क्यों बताऊं भाई किसी के बाला की बदनामी, सही बात है, लेकिन गांव के गांव में भी जा रही है। फिलहाल बेटा और बहू की क्या सिचुएशन है? कुछ भी सिचुएशन कोने जी। अच्छा हाँ जी
कहाँ कहाँ लग रही है बेटा का तो नू लगा लो भाई हाथ में कहीं निकट रही है उसने तो भाई 2 दिन में 10 दिन में 15 दिन में भाई हो जाएगा ठीक है लेकिन बहू की कोई बात नहीं जी। कहाँ कहाँ लग रही है उनको? छत्ती में लग रही है जी। अच्छा 2 आड़े हैं एक आड़ा है एक आड़ा है 2 इस बाजू में है एक इस बाजू में है और एक नाड़ में है। अच्छा मतलब पूरा तसल्ली तक पूरी तसल्ली तक काम कर रखा जी। ये तो कोई मालक के उतरे है भगवान की कुदरत है भैया किस बड़ बची क्यों बची भाई ये और भी बच्चे भी देखने लग रहे हैं आंटी माँ बाप भी देखने लग रहे हैं की कहना चाहोगे बच्चे ने भी और माँ बाप ने भी? बच्चे ने भी नु कहना चाहवांगे भाई देखो बच्चन जब लगा ले गलती तो बच्चे की भी है लेकिन कुछ तो संस्कार बड़े बच्चन घर तभी मिलते होंगे मिलते होंगे ठीक बात है लेकिन जिस लड़की नहीं मान रही तो लड़का क्यों कर मान जाएगा ये बता दो जो उन अपनी लड़की नहीं रुकी आपने कोशिश करी बेटे को समझाने हाँ जी किसी की बेटी है हाँ जी करी कोशिश करी और जी मैंने लड़की तो बात करी अच्छा। मखा बेटी ये काम कमल को ना घर के कुंवारी नहीं रखेंगे यह बात मैंने इसका कक का भी रखी थी अच्छा। मखा आज तो हम बाजते हंडल ना रहे तो हमने 4 महीना पहले का बेरा था तब आए होते कोई सोल्यूशन करना था तो आड़ा नहीं ब्याह होते अपने नोर की तो ब्याह देते हमने कोई परेशानी कौन थी आप रह जाता लड़का लड़का मैं और क्या कर सकू हूँ लड़का मन तो अपना स्कूल में बिठा दिया ये 5-6 बात मनाई आके इस कमी में काट दिया था पाछा तांगली टिका ही करे मानो हो फिर मेरा लड़का बीमार हो गया था बीच में क्यों उसके पापा की वह हो गई थी मारे जी आप अपनी राय जरूर देखना देखो एक गांव में ब्याह करना गलत है सही है वो आप सब जानो हो कितना सही है लेकिन अगर बच्चे अपनी खुशी के लिए अलग अलग गांव में शादी कर ले हैं और समस्या क्या है कि गांव भी अलग है जिला भी अलग है गोत्र भी अलग है और जाति भी एक है लेकिन कुछ दूरी पर एक गांव है गांव कोई बीच में गांव भी आंटी एक आध नहीं जी गांव नहीं है बीच में समस्या क्या है कि गांव नहीं है बीच में तो इस कारण माता पिता जो लड़की के हैं वो स्वीकार नहीं कर सकते और इस कारण बेटी के अंदर 8-8 गोलियां जो है उतार दे हैं और एक गोली दामाद के अंदर भी निकाल देते हैं। फिलहाल दोनों बच्चों की कंडीशन अब बहुत बुरी है कुछ नहीं कह सकते और आंटी कह रही है कि हाल फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं आया पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई भी होनी चाहिए इस केस में तत्परता दिखानी चाहिए ये कह रहे हैं कि अब भी हम डर के साए में कहीं न कहीं जी रहे हैं जी डर के जी रहे हैं जी। कमेंट बॉक्स में आप जी घर ही आके नजर कर गए तो ईब तो हमने रोज तो ईब तो हमने कोई सुविधा नहीं मिली है तुम्हारी क्या तसल्ली है ये बताओ है कोई तसल्ली फिर भी कर देंगे सिक्योरिटी अच्छी तो अच्छी मिलनी चाहिए फिलहाल गिरफ्तारी कोई भी नहीं हुई है आप अपनी राय आप बुद्धिजीवी हो बहुत समझदार हो बच्चे हैं अलग अलग गाँव के हैं लेकिन गवांडी है एक तरीके गवांड भी नहीं आंटी 5 गांव लग गए जीवा अलग है अच्छा पिलाना नहीं आता मार गवांड में नहीं आता फिर समस्या क्या हो रही है रिश्ते क्यों नहीं समस्या यह हो रही है जी हम बोधे लगते होंगे उनने अच्छा और कोई समस्या नहीं जी मारी यह समस्या है उन कमजोर दिखा थे आपको रंड करोनी है तो कौन कर दो काम ने भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिखना बहुत सेंसिटिव मुद्दा है गांव भी एक नहीं है गोत्र भी एक नहीं है जाति भी एक है सब कुछ अलग है लेकिन उसके बावजूद लड़की के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं है और 8-8 गोलियां जो है लड़की के अंदर चली जाती हैं। मन्ने दे इजाजत जय हिंद जय